2022 के सभी टीमों के बारे में ना मैं डेली एक एक अलग वाला वीडियो रेडी कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे पीबीके यानी पंजाब किंग्स के बारे में। तो देखिए, इससे पहले भी मैं बहुत सारे टीमों के बारे में ना ऐसा डिस्कशन कर चुका हूँ कि सभी टीमों में कौन कौन सा 8 खिलाड़ी है जो कि फॉरेन प्लेयर्स होगा, उसके बारे में कि कौन कौन सा फॉरेन खिलाड़ी को ले सकता है मेगा ऑप्शन से सभी टीम, उसके बारे में एक एक बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट रेडी हो रहा है डेली एक एक अलग अलग टीमों के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब किंग्स के बारे में बात करने वाले होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन आप सभी लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना रखा हूँ जहां पर मैं टारगेटेड प्लेइंग 11 बताया रखा हूँ कि टारगेटेड प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है पंजाब किंग्स का। तो वो अगर आप अभी तक नहीं देखो तो आई बटन पे जाओ, वहां पर पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से देख लो वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो है पंजाब किंग्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे, क्या बताया, टारगेटेड लिस्ट 8 फॉरेन खिलाड़ी। तो 8 फॉरेन खिलाड़ी क्यों, 4 खिलाड़ी जो कि फर्स्ट प्लेइंग 11 में रहेगा और 4 खिलाड़ी जो कि रिजर्व करके बैठा हुआ रहेगा डगआउट में। तो उसी के ऊपर वीडियो होने वाला है। लेकिन आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि एक मेगा ऑक्शन में कैसी तरीके से जाना चाहिए किसी भी टीम को ऑक्शन टेबल पर, तो उनका स्ट्रेटेजी कैसा रहता है कि आप आपके टीम के हिसाब से प्योर बल्लेबाज लेंगे, उसके साथ प्योर बॉलर लेंगे, उसके बाद आप एक ऑलराउंडर लेंगे और एक तेज गेंदबाज अगर ऑप्शन हो बेहतर रहेगा, और उन सभी का बैकअप लेंगे, ठीक है। तो उस जगह पर अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स का क्या क्या हो सकता है, तो उसको जानने से पहले मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो जो करना हो वो कर दीजिए, आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि इस टीम में एक बेहतरीन बल्लेबाज चाहिए जो कि ओपनिंग नहीं करेगा, ऐसा कि मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, तो क्यों मैं मिडिल ऑर्डर से शुरू करूंगा, क्योंकि देखिए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मैं क्यों लूंगा उसके ऊपर मैं बताता हूं कि मैं जो प्रेडिक्टेबल या फिर टारगेटेड लिस्ट बताया था ना इससे पहले के वीडियो में, वहां पर आप अगर जाए तो देख सकते हैं कि मैं 2 बेहतरीन ओपनर लिया हूं पंजाब किंग्स के लिए जो कि पंजाब किंग्स टारगेट कर सकते हैं। देखिए मयंक अग्रवाल तो इस टीम में पहले से ही है, और ये टीम और एक खिलाड़ी को रिटर्न किया है वो है अर्शदीप सिंह, ठीक है, और कोई विदेशी खिलाड़ी को नहीं रिटर्न किया है। तो उस जगह पर इस टीम को 8 ही विदेशी खिलाड़ी उठाना पड़ेगा मेगा ऑप्शन से। तो उस जगह पर मैं एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेना चाहूंगा जो हो सकता है लियाम लिविंगस्टोन। लियाम लिविंगस्टोन भाई साहब अबू धाबी इंडियन लीग उनके इंग्लैंड टीम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी होकर उभर कर आया है, और लियाम लिविंगस्टोन इस रिसेंट टाइम में ना बहुत ही बढ़िया फॉर्म से जा रहा है। तो उस जगह पर आप अगर लियाम लिविंगस्टोन को लेकर 4 नंबर के पोजीशन पर खिलाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा पंजाब किंग्स के लिए। तो उस जगह पर मैं चाहूंगा कि लियाम लिविंगस्टोन को जरूर से जरूर ये टीम उठाए मेगा ऑप्शन से, क्योंकि बहुत सारा टीम जाएगा उनके पीछे। और मैं एक बात जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पंजाब किंग्स के पास ना सबसे ज्यादा बैलेंस पर्स है जो कि 72 करोड़ रुपए, जो कि और किसी टीम के पास नहीं अवेलेबल रहेगा मेगा ऑप्शन में। तो उनके पास सबसे ज्यादा चांसेस रहेगा कि वो एक मतलब वैल्यूएबल एक करेक्ट टीम रेडी करे। तो इस जगह पर मुझे तो लगता है कि भाई पंजाब किंग्स एकदम से सही से जाओ, लियाम लिविंगस्टोन को सबसे पहले उठाओ, ठीक है, मतलब बंदा अच्छा करेगा मुझे तो लगता है। आप लोग इसके बारे में क्या रहा है जरूर से कमेंट करके बताइए। और उसके बाद मैं बेसिकली देखिए बताना चाहूंगा कि आप अगर विदेशी खिलाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट करते हो ना तो ज्यादा मत कीजिए, आप इंडियन बेहतरीन खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, उसमें आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन विदेशी खिलाड़ी भी लेना चाहिए क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है, विदेशी खिलाड़ी भी मैच को निकाल दे सकता है। तो उस जगह पर लियाम लिविंगस्टोन को मैं बताया, उसके बाद ये टीम जिस विदेशी खिलाड़ी को टारगेट करेगा ना उसके ऊपर पूरा एक मतलब रिपोर्ट ही आ गया है कि मतलब पंजाब किंग्स का जो मैनेजमेंट का हेड है, अगर बताया जाए कि अनिल कुंबले इस टीम का कोच भी है, ठीक है, वो चाहते हैं कि मोहम्मद नबी को इस टीम में लाया जाए। तो मोहम्मद नबी कौन है, अफगानिस्तान का कप्तान भी है रिसेंट टाइम में, और बिग बैश लीग में भी एक टीम का कप्तान ही कर रहा है। तो इस बंदे को अगर ले जाते हैं ना, मतलब इस बंदे से आप बल्लेबाजी भी मिलेगा आपको, उसके साथ आपको गेंदबाजी भी मिलेगा, और अगर आप चाहे कि किसी के एक खिलाड़ी को कप्तान बनाना हो तो इस बंदे के ऊपर जा सकते हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ कि कन्फर्म है, लेकिन जा सकते हैं, मयंक अग्रवाल को भी कर सकते हैं। आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए कि इस टीम में किन को कप्तानी का रोल देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मयंक अग्रवाल को दे दीजिए, ये युवा खिलाड़ी है बहुत दिन तक चल सकता है, लेकिन मोहम्मद नबी को लेगा ही मुझे तो लगता है। आप लोग इसके बारे में क्या है जरूर से कमेंट करके बताइए। उसके बाद ये टीम ना एक ऐसे ऑलराउंडर के पास जाएगा जो कि आपके लिए मैच विनिंग हो सकता है। तो उस जगह पर मैं चाहूंगा ना कि सैम करन को ले लो। सैम करन एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपको गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट करके देगा, उसके साथ बल्लेबाजी से तो वो सीएसके के लिए क्या करता है आप सभी लोगों को पता है। तो उस जगह पर आप ले सकते हो, या फिर देखिए मैं आप लोगों को एक बात दे रहा हूं कि मिचेल मार्श के ऊपर सभी जाएगा, ठीक है, ये आप लिख कर ले लो कि मिचेल मार्श के ऊपर
हर टीम जाएगा। अगर आप मिचेल मार्श को ना ले पाते हो, देखिए बहुत पैसों से बिकेगा ये मिचेल मार्श है ना, बहुत पैसों से बिकेगा, क्योंकि इनका फॉर्म ऐसे तरीके से लगा हुआ है कि वो बंदा अगर उतरता है ना ग्राउंड में, मतलब लप्पेबाजी ऐसा करेगा कि किसी भी गेंदबाज का, किसी भी टीम का मॉरल डाउन कर देगा। उस जगह पर मैं वाला बताऊंगा कि अगर मिचेल मार्श को ना भी मिले तो सैम करन को जरूर से जरूर लो और अपने टीम में शामिल करो, क्योंकि सैम करन एक ऐसा खिलाड़ी है ना, वो कवरअप कर देगा आपको, फिनिशिंग का रोल भी अदा कर देगा और आपको गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया तरह से दे देगा। तो उस जगह पर आप ले सकते हो सैम करन को, ठीक है। और उसके साथ मैं इस टीम में ना एक जेन्युइन पेस बॉलर रखना चाहूंगा। उस जगह पर मैं इस टीम में देखना चाहूंगा पैट कमिंस को। देखिए पैट कमिंस एक नो डाउट बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलियन कप्तान भी है टेस्ट टीम का, लेकिन उनके पास जो कैपेबिलिटी है ना पेस बॉलिंग का, वो एक अव्वल दर्जे का खिलाड़ी का ही होता है। तो उस जगह पर मैं चाहूंगा कि पैट कमिंस को ले ले, पैसा जाए जाए लेकिन उनको ले, ठीक है। और उनके साथ अर्दी तो ही कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, और भी ज्यादा अच्छी तरह से इंडियन खिलाड़ी को ले लेना, मतलब मेगा ऑप्शन से, तो अच्छा टीम बन जाएगा। तो ये था चार खिलाड़ी जो कि मेन चॉइस होता है, लेकिन मैं और एक खिलाड़ी को रखना चाहूंगा जो कि एक एज ए ओपनिंग की चॉइस इस टीम में रह सकता है। तो उस जगह पर मैं रखना चाहूंगा कम रेट में आएगा ये खिलाड़ी, ठीक है, सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स को आप ले लो, कम रेट में आप उनको मतलब पालोगे अपने टीम में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खिला भी सकते हो, ओपनिंग में भी खिला सकते हो। चार नंबर पे लियाम लिविंगस्टोन का बैकअप के तरीके से भी खिला सकते हो, तो उस जगह पर आपका फायदा ही होगा, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है और कम रेट में भी मिल जाएगा सैम बिलिंग्स को, तो उस जगह पर आप सैम बिलिंग्स को ले सकते हो। और उसके बाद मैं एक जेन्युइन ओपनर रखना चाहूंगा इस टीम में, जो कि मतलब डगआउट में बैठा हुआ रहेगा, लेकिन अगर किसी टाइम में मतलब हो, मतलब चांस मिल जाए तो उनको खिला देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मैं इस टीम में देखना चाहूंगा जॉस फिलिपी को। आप सभी लोगों को पता है कि आरसीबी की ओर से ये बंदा आकर खेला था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया था, लेकिन बिग बैश लीग में ना ये बंदा हर साल कंसिस्टेंट रहता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी करता है। और अगर मैं रिसेंट टाइम में बता दूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया टीम में मैथ्यू वेट के बाद कोई भी T20 का बल्लेबाज या फिर ODI का बल्लेबाज आता है ना जो विकेट कीपिंग करेगा, तो वो हो सकता है जॉस फिलिपी। तो उस जगह पर मुझे लगता है कि आप जॉस फिलिपी को एज ए मतलब बैकअप ओपनर की तरह इस टीम में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए पैट कमिंस तो इस टीम में, लेकिन उनका एक बैकअप अगर आप गेंदबाज रख लेते हो तो अच्छा रहेगा। तो इस टीम में ना इससे पहले नेथन एलिस नामक एक अनऑर्थोडॉक्स बॉलर आया था, मतलब जिनका एक्शन ना मतलब एक लाइक एक अलग वाला एक्शन है, ठीक है, जेन्युइन पेस बॉलर का वैसा नहीं एक्शन होता है, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा खासा गेंदबाजी करता था और रिसेंट टाइम में बिग बैश लीग में भी बहुत तबाही कर रहा है, ठीक है। एक एक गेंद ऐसा कर रहा है कि आप मतलब आप अगर देखे हो बिग बैश लीग ना, आप सभी लोगों को पता है कि मिचेल मार्श, मैं एक मैच देख रहा था, मिचेल मार्श मतलब बल्लेबाजी कर रहा था, उसके ओपोनेंट पे नेथन एलिस, और नेथन एलिस ऐसा गेंदबाजी कर रहा था कि भाई मिचेल मार्श जो कि 100 करने के कगार पर खड़ा हुआ था, उनको मारने ही नहीं दे रहा था। तो मतलब ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो कि आपके लिए वैल्यू एडिशन करे लेकिन कम रेट में आपको मिल जाए, तो उस जगह पर आप नेथन एलिस को रख सकते हो। और लास्टली मैं इस टीम में रखना चाहूंगा ना एक ऑलराउंडर को, ठीक है, एक ऑलराउंडर बैकअप तरीके से सैम करन का बैकअप रहेगा, ठीक है। तो उस जगह पर किसको खिलाओगे, ठीक है, अगर कम रेट में मिले तो जेसन होल्डर को खरीद दो, अगर जेसन होल्डर को ना मिले तो एक विंडीज आपको पावर रखना चाहिए अपने टीम में, तो मैं इसके ऊपर ना पावल के साथ जाना चाहूंगा। पावल भी रिसेंट टाइम में ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहा है और वेस्ट इंडीज का मतलब जो T20 टीम है ना उनमें भी चांस मिल गया है, और आबूधाबी T10 लीग में इस बंदे के पास जो हिटिंग एबिलिटी है ना वो देखने वाला है। आप उनको लास्ट में खिला दो, एकदम लास्ट में वो आएगा, एक ओवर लेगा, अगर वो हिट करना हो तो हिट करके आपको मैच निकाल देगा, और अगर हिट ना करना तो आउट हो जाएगा। तो ऐसा एक खिलाड़ी आपके टीम में रखना चाहिए। तो उस जगह पर मैं चाहूंगा कि पवेल को रख दीजिए अपने टीम में। तो ये हो गया टोटल 8 खिलाड़ी। आप लोगों को कैसा लगा ये 8 खिलाड़ी वो जरूर से कॉमेंट करके बताइए। एक दफा वापस से आप देख लीजिए, सबसे पहले देखिए लियाम लिविंगस्टोन, मोहम्मद नबी, सैम करन, उसके साथ पैट कमिंस, सैम बिलिंग्स, जॉस फिलिपी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, नेथन एलिस, और लास्टली पवेल या फिर जेसन होल्डर, इन दोनों में से कोई एक को ले लो। तो ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर से कमेंट करके बताइए, और आज के लिए बस यही। अगर पंजाब किंग्स फैंस हो तो जरूर से कमेंट करो, और आप लोग लाइक नहीं करते तो जल्दी से जल्दी लाइक करो और वीडियो को रीच दो ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को शेयर करो अगर शेयर करना हो पंजाब किंग्स फैंस से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां पर शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।